हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो बेल की तरफ से निकल कर आ रही है। सो यस, फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 100 है। इसमें आप लोग को सैलरी 45,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से आ रही है, जो एक PSU है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें ही मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है। इसमें आप लोग को मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए हायर किया जाएगा। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे ट्रेनिंग इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें फर्स्ट है ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 है। जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन साइंस में से 4 साल का BBTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोग का जॉब लोकेशन वाइजैक पे रहेगी। इसमें फर्स्ट ईयर में आप लोग को सैलरी 30,000 और सेकेंड ईयर में आप लोग को सैलरी 35,000 पर मंथ मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 60 है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का BBTEC की हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोग का जॉब लोकेशन वाइजैक पे रहेगी। इसमें फर्स्ट ईयर में आप लोग को सैलरी 40,000 और सेकेंड ईयर में आप लोग को सैलरी 45,000 पर मंथ मिल जाएगी। और इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स हो तो उस केस में आपके BBTEC में मिनिमम 55% मार्क्स होनी चाहिए। और अगर आप लोग SC ST PWD कैंडिडेट्स हो तो उस केस में आपके BBTEC में मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। इसमें ट्रेनिंग इंजीनियर पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स का रहा गया है और प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स का रहा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो पोस्ट है उसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोगों के पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोई भी टीचिंग, रिसर्च या तो एकेडमिक एक्सपीरियंस को एज ए एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में दोनों पोस्ट के लिए फर्स्ट होगा आप लोग का रिटन टेस्ट। अगर आप लोग उसमें क्वालिफाई करोगे उसके बाद होगा इंटरव्यू, और अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। इसमें रिटेन टेस्ट आप लोग का 85 मार्क्स का होगा। रिटेन टेस्ट का डेट, टाइमिंग और वेन्यू आप लोग को बाद में ईमेल के थ्रू पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे आप लोग को मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए हायर किया जाएगा। और बेसिक पे के साथ साथ आप लोग को 12,000 पर ईयर मेडिकल अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे ट्रेनिंग इंजीनियर पोस्ट के लिए जनरल ओबीसी और EWS कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज प्लस 18% GST यानी कि 177 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट के लिए जनरल ओबीसी और EWS कैंडिडेट्स के लिए 400 प्लस 18% GST यानी कि 472 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है। एप्लीकेशन फी आप लोगों को ऑनलाइन SBI कलेक्ट के थ्रू पे सबमिट करना होगा। और SC ST PWD एंड एक्सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका एक ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म है जिसको अच्छे से फिल करना है, और फिल करने के बाद उसके साथ आपका जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशंस का मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है, उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके साथ CGPA कन्वर्सन सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके साथ अगर आप लोग प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके साथ आप लोग को एक राइट अप लिखना होगा जिसमें आप लोग का जो एक्सपीरियंस है उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिटेल्स आप लोग को वहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद अगर आप लोग SC ST OBC कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, EWS कैंडिडेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और PWD कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और उसके साथ आपका कोई भी गवर्नमेंट ID प्रूफ का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी,
ये सब डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवेलप बनानी पड़ेगी और उस एनवेलप के ऊपर आप लोग को मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप लोग जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नेम, और ये मेंशन करने के बाद आप लोग को उस एनवेलप को इसका जो ऑफिशियल एड्रेस इस नोटिफिकेशन पे मेंशन है आप लोग को उसी एड्रेस पे 23rd September 2022 से पहले स्पीड पोस्ट या तो ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू पे सेंड करना होगा। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप लोग का कोई भी डाउट्स या तो क्वेश्चंस है तो आप लोग इसी ईमेल आईडी या तो फोन नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप लोग का डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। नेक्स्ट में आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म दिखाया था, तो फ्रेंड्स ये है इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें फर्स्ट आप लोग को एक रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहीं पर अटैच करना है। उसके बाद आपको आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डिटेल्स यहीं पर फिल करना होगा। नेक्स्ट आपको आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यहीं पर फिल करना है। और उसके बाद आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे उसके पास में आप लोग को टिक मार्क मारना होगा। और अगर आप लोग प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में आप लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है उसका डिटेल्स आप लोग को वहाँ पे फिल करना है। और ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छे से फिल करने के बाद इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स में डिस्कस किया हो उस डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवेलप बना के इसका जो ऑफिशियल एड्रेस इस नोटिफिकेशन पे मेंशन है आप लोग को उसी एड्रेस पे 23rd September 2022 से पहले स्पीड पोस्ट या तो ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू पे सेंड करना होगा। तो फ्रेंड्स ये है इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना ताकि आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।